और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा कांग्रेस द्वारा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता शेख आमिर का ये बयान सामने आया है। डीएपी ने वकार रसूल वानी पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जताते हुए ये दावा कर रही है कि गुलाम नबी आजाद और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पर अब मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस अब मानहानि का मुकदमा करने जा रही है गुलाम नबी आजाद और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पर। यह मुकदमा कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। शेख आमिर ने यह बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि डीएपी ने वकार रसूल वानी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि गुलाम नबी आजाद और उनकी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा।